आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थाना कमलनगर वाटर वर्क्स ओवर ब्रिज पर कंटेनर ने बाइक सवारों में टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। मृतक महिला आशा सेविका थी। परिवार में कोहराम मच गया। थाना कमलानगर आगरा फिरोजाबाद नेशनल हाईवे वाटर वर्क चौराहे पर कंटेनर ने बाइक सवार महिला पुरुष को चपेट में ले लिया। थाना खंडौली रामनगर की रहने वाली बन्ना शर्मा नाम की महिला की मौत। ऐसा बताया गया है कि बबलू उपाध्याय और आशा सेविका बन्ना शर्मा जिला मुख्यालय से आ रहे थे और खंडौली जा रहे, तभी हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर परिवार के लोग पहुँच गए। थाना कमलानगर पुलिस भी पहुँच गयी। परिवार में कोहराम मच गया। थाना कमलानगर पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है। ऐसा बताया गया है, बाइक सवारों का बैग कंटेनर फंस गया था, जिसके चलते महिला बाइक से गिर गई और कंटेनर की चपेट में। मेरी छोटी बहन है वो, मैं उसका भाई हूँ। मेरे पास तो फोन आया था कि भैया ऐसे ऐसे बंदना का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं जैसे ही फुहारे से सीधा आया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर आप लोग बता रहे हो उसी तो डेथ हो गई है, और वहीं जाके देखता हूँ। वो तो बाइक पे जल्दी है, स्कूटी दो ही गाड़ी है, उसमें कोई तीसरी है ही नहीं है। चलो चल रहे तुम रामनगर, तुम्हारे ब्लॉक में NM है वो। मैं आगरा से खंडौली की तरफ जा रहा था, पीछे ट्रक वाले ने टक्कर मार दी इसमें। अभी तक कोई नहीं आया है। एम्बुलेंस में 112 पे कॉल कर दिया, अभी तक तो कोई नहीं आया है। हादसे के बाद आगरा फिरोजाबाद नेशनल हाईवे पर जाम लगा। पुलिस ने आशा सेविका बन्ना शर्मा के शव को पोस्टमार्टम के लिए। राकेश कनौजिया, आगरा।